इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, मुंबई से आ रही है जहां पर एक बड़ा हादसा हुआ है। मलाड में दीवार गिरने से 16 लोगों की मौत हो गई है। तो मलाड में आपको बता दें, झुग्गी झोपड़ी का इलाका था जिसकी तस्वीरें इस वक्त देख रहे हैं, जहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। दरअसल ये एक पहाड़ी के ढलान पर बना हुआ बहुत बड़ा इलाका है जहां पर झुग्गियां बसी हुई थी और पहाड़ी के ऊपर एक टैंक बना था जिसके सुरक्षा के लिए एक दीवार बनाई गई थी। तेज बारिश की वजह से वो दीवार नीचे गिर गई। जब वो दीवार नीचे गिरी तो उसकी चपेट में आने से करीब बताया जा रहा है 30 से 50 झुग्गियां उसकी चपेट में आ गई, जो तस्वीर आप देख रहे हैं। और इन झुग्गियों में जो लोग रह रहे थे जिसमें दब गए और 16 लोगों की मौत हो गई है। ये तादाद बढ़ सकती है क्योंकि अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। जहां पर दीवार गिरी, दीवार गिरने से 16 लोगों की मौत हो गई है, 16 लोग इस दीवार की चपेट में आ गए। रेस्क्यू का काम जारी है, एनडीआरएफ की टीम वहां पर मौजूद है, एसडीआरएफ की टीम वहां पर मौजूद है। मलबा हटाने का काम चल रहा है क्योंकि ये झुग्गियां बलियां और पन्नियों की बनी होती हैं, तो मलबा हटाने में ज्यादा मुश्किल नहीं हो रही है। सबसे पहले तलाशा जा रहा है कि अगर कोई इस मलबे के नीचे दबा हुआ है, फंसा हुआ है, तो उसे निकाला जाए, अस्पताल भेजा जाए। 16 लोगों की इस हादसे में मौत हुई है, ये दीवार ढही और सबसे बड़ी वजह है बारिश। पिछले 5 दिन से मुंबई में लगातार बारिश हो रही है। ये वो इलाका है जो पहाड़ी इलाका है और ये जो लोग रह रहे थे पहाड़ी पे रह रहे थे और अचानक मिट्टी कह सकते हैं बारिश लगातार होने की वजह से धंसी होगी, जिस वजह से यह हादसा हुआ। बजे घट्टा घट्टे में 11:15 बजे घर पे आया, हाथ पैर धोया और खाना खाने के लिए बोला दे दो, खाना खाने को दे दिया। खाना खाने को होने के बाद हम लोग बर्तन धोने के लिए, और मेरी भाभी गई और नहीं सुन गई और खाना खा के मैं हाथ धो के खाना खा के पान खाने के लिए बाहर आया। बाहर आए तो इसके लिए पीछे के बाजू में पूरा पानी भर गया था, तो अंदर आना चालू हुआ था। उसके बाजू में दीवार का ईंट तोड़ दिया उधर का, और उसके बाद हम लोग उधर का दीवार का ईंट तोड़ के बाद फिर वापस आया और दरवाजे में खड़ा था। उतने टाइम में उधर से पानी का फोर्स आया। फोर्स आने के बाद मेरे छोकरे बोलते पापा आगे मत जाना, तो तू पीछे आना। उतने टाइम में स्पोर्ट हुआ ऐसा मेरे सामने ही सब झोपड़ी पूरा एक साथ नीचे आया और हमको धक्का दिया प्रेशर ने और हम लोग घुस गए अंदर। भगवान का नाम लिया खाली, बच्चों का बोला 2-4 महीने का बच्चा है मेरा, बच्चे का उसको पकड़ के मैं बोला घर में रहो, अपन भी कुछ बोल नहीं सकते क्या होएगा वो। और हम लोग बाहर आया फिर वापस बच्चों को लेके, और वो भैया के घर पे हम लोग गया, मैं उधर गया वो झोपड़पट्टी में, उधर जाके वो लोग को बुलाया। बाद में वो लोग धीरे धीरे इधर आया, सब जमा करके इकट्ठा हो गया इधर उधर कर, इधर से उधर जा नहीं सकते थे हम लोग। यहाँ पर करीब कितने घर थे और ये 12 बजे बारह का कितने लोग अभी फंसे हुए और फंसे बहुत मौत तो हो गया। अभी 3-4 जन का मौत हो गया ना हमारे सामने ही है, अभी दिख रहा है। अभी कितना जो ना हमारा गायब हो गए वो अभी तक मिला नहीं है। अच्छा, सरकार ने इससे पहले कुछ कहा गया था कि ये जगह धोखादायक है, ऐसे कुछ कहा था? धोखादायक है ऐसा कुछ किया था, लेकिन कुछ बोल रहा था तुम लोग को झोपड़े पट्टे वाले को झोपड़ा दिया जाएगा, लेकिन अभी तक तो कुछ दिया नहीं। हाँ, कितना साल हुआ है, तो इसके पहला भी इधर हुआ था, उधर भी बहुत आदमी गए, फिर भी सरकार ने कुछ किया नहीं उसके ऊपर। आसमान देने के पहले कुछ किए नहीं अभी तक। सरकार से मांग क्या करेंगे? मांग क्या करेंगे, मतलब हमको इधर से हटा के हम लोग को कुछ जगह सोचा की जगह दे दो, बस इतना ही कहना हम लोग का है। महादेव सदोबाद। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं कि किस तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। एनडीआरएफ की टीम मौके पर है, इसके अलावा मुंबई के जो फायर ब्रिगेड है उसके लोग भी यहाँ पर मौजूद है। अब धीरे धीरे मलबा हटाकर देखा जा रहा है कि कोई इसमें लोग फंसे तो नहीं है। और ये तस्वीर मलाड की है। आपको बता दें ये हादसा कैसे हुआ, हमारे साथ संवाददाता राजेश जुड़ गए हैं। राजेश, आपके पास ताजा अपडेट क्या है इस बारे में? देखिए, फिलहाल फायर ब्रिगेड और पहुंची है मौके पर, पुलिस भी पहुंची हुई है और लगातार मलबे को हटाने की कोशिश कर रही है। सबसे बड़ी दिक्कत जो है इस वक्त जो आ रही है, बरसात जो है वो लगातार होती जा रही है, और साथ ही जो आसपास के लोग हैं, जो तमाशबीन हैं, वो इकट्ठा है यहाँ पे। सबसे बड़ी दिक्कत पुलिस को उनको हटाने में हो रही है, साथ ही मलबा हटाने का काम भी तेजी से चल रहा है, लेकिन बरसात जो है उसने रुकने का नाम नहीं ले रही, इसलिए मलबा हटाने में दिक्कत हो रही है। फिलहाल जो लोग हैं उनको यहाँ से हटाने का काम चल रहा है, और जो लोग फंसे हैं ऐसे कयास लगाया जा रहा है कि शायद कुछ लोग फंसे भी हैं, उनको भी निकालने की कोशिश तेज हो रही है।
जी राजेश, हालांकि ये अनऑथराइज एनक्रोचमेंट था, लेकिन क्या जानकारी है कितनी झुग्गियां थी उसमें, लगभग कितने लोग रहते होंगे, कितने लोग सुरक्षित निकाल लिए गए हैं, और क्या अभी आशंका है कुछ लोगों के कि इस मलबे में दबे हो सकते हैं? देखिए, फिलहाल जो जानकारी मिल रही है उसे बताया जा रहा है कि शायद अभी कुछ लोग दबे हुए हों इसमें। फिलहाल लोगों को इसमें से निकाला गया है। जो लोग हैं यहाँ पे फायर ब्रिगेड के अधिकारी और पुलिस के जो लोग हैं वो लगातार कोशिश कर रहे हैं कि मलबा को हटाया जा रही है। अनऑथराइज जरूर था और पुलिस ने कई बार ने कहा भी था यहाँ से हटने के लिए, लेकिन हटे नहीं। लेकिन बरसात ने पूरी तरीके से, मुंबई में जिस तरीके से बरसात हो रही है उस वजह से ये हादसा जो है वो सामने आया है, और फिलहाल जो लोग फंसे हैं उन्हें निकालने का काम चल रहा है। राजेश, ये बताइए कि यहाँ पर तो पहले भी इस तरह की घटना हुई थी, उसके बाद भी प्रशासन की ओर से कोई एहतियातन कदम क्यों नहीं उठाया गया? देखिए, अक्सर मुंबई में जब भी बरसात होती है तो हर साल इस तरह की वारदातें सामने आती हैं, और उसके बाद पुलिस का, प्रशासन का, सरकार की तरफ से बातें की जाती हैं कि इस तरीके के जो अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन है उन्हें हटाया जाएगा और जो लोग हैं उन्हें सुरक्षित जगह पर ले जाया जाएगा। लेकिन होता कुछ नहीं है, ढाक के तीन पात, फिर इंतजार किया जाता है नई इस तरह के नए वाक्य का, उसके बाद फिर सरकार और प्रशासन की तरफ से बातें होती हैं और कुछ दिन बाद भुला दिया जाता है, और इस बार भी कुछ वही होता हुआ नजर आएगा। जी बिल्कुल, आप बने रहिए हमारे साथ।